हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्या आप डाइटिंग कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, कुछ हेल्दी भी खाना चाहते हैं, वैरायटी भी खाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये मफिन एकदम परफेक्ट है। मैं आप सबके लिए लाई हूँ इस बार हेल्दी ओट्स मफिन, जो स्वीट नहीं है, स्पाइसी एंड सॉर है और बहुत ही टेस्टी है, बहुत हेल्दी है और मिनटों में बन जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले 1 कप हम लेंगे ओट्स का पाउडर। इसको मैंने बिना रोस्ट किए डायरेक्ट पीस लिया था। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून नमक। थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे इसमें, इसका टेस्ट थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए, और इसको अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे ताकि बेकिंग पाउडर और ओट्स का जो हमारा पाउडर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। 1 कप मैंने इसमें नाप के लिए है मिक्स्ड वेजिटेबल। आप प्याज, टमाटर, कैरेट, कॉर्न, बीट ले सकते हैं, मटर भी ले सकते हैं। 1/4 कप हम इसमें लेंगे रूम टेम्परेचर की दही। 1/4 कप इसमें हम ऑयल ले रहे हैं, आप रिफाइन ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और 1/4 कप गुनगुना दूध। दूध ज़्यादा गर्म ना ले और फ्रिज का ठंडा भी ना ले, उसको हल्का सा गुनगुना कर ले और इस बैटर को 2 मिनट अच्छे से चम्मच से फेंट ले। इसमें आपको ज़रूरी नहीं कि आपको ब्लेंडर से ही फेंटना है। और जब तक मैं ये बैटर रेडी कर रही थी, मैंने ओवन को 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रखा था और उतनी देर में हमारा बैटर भी रेडी हो गया है। इसमें थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने 2 टीस्पून शेजवान चटनी यूज़ की है। आप इसके बदले 2 टीस्पून अपने घर की ग्रीन चटनी या फिर टमाटो सॉस, या घर पे अगर आपने टमाटर की चटनी बनाई है उसको भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बैटर हो चुका है रेडी और इसको मैं लेने वाली हूँ सिलिकॉन मोल्ड में, जिसमें मैंने लाइनिंग पेपर लगाया हुआ है। 3/4 हम इस बैटर को उस कपकेक के मोल्ड में भरेंगे और 180 डिग्री पे ही 30 मिनट के लिए इसको हम बेक होने के लिए रखेंगे। अगर आपके पास ऊपर और नीचे दोनों रॉड का अगर है तो आप दोनों रॉड ऑन करके रखें। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है। इसको खाने के बाद आपका एक बार के लिए पिज़्ज़ा खाने की इच्छा नहीं करेगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसा बेक हुआ है। ये यहाँ पे 30 मिनट अच्छे से हमारा जो ओट्स मफिन है वो बेक हो चुका है। ये देखिए, मैं आपके दिखाती हूँ, इसमें साइड से ये रैपर भी है, वो आराम से इजीली निकल गया है। तो अब आप अपने डाइट प्लान में इस ओट्स मफिन को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर ट्राई करें। मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।